इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्ति में बहुत विधि नहीं है, भक्ति में प्रेम बहुत है। लिखिए ना, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। व्याध रत्नाकर कौन श्रेष्ठ आचरण था, ध्रुव जी की कौन सी उम्र बड़ी थी, गजेंद्र ने कौन सी पीएचडी डीएससी कर रखी थी, विदुर जी का कौन श्रेष्ठ कुल था, का जातर विदुरस्य और उग्रसेन महाराज कौन बड़े प्रतापी थे, पौरुषशाली थे। उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जा या कमनीय रूपम अधिकम। कुब्जा कौन सुंदर थी, कुबड़ निकला था। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी कौन धनवान थे। फिर भगवान की करुणा सब पर बरसी। कुब्जा या कमनीय रूपम अधिकम किम तत् सुदामनो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै। भक्ति प्रियो राघव भक्ति प्रियो माधव। केवल चित्त में व्यवहार में भक्ति होने के कारण भगवान ने इनको प्रेम दिया, कारण भगवान को भक्ति ही प्रिय है। कान बहुत विधि न बनाया जाए, भक्ति करी जाए। कैसी मैया शबरी जैसी, भैया केवट जैसी सहज भक्ति, प्रादार्शनिक भक्ति नहीं, अंतस्थ दर्शन की भक्ति, दार्शनिक भक्ति। हम हमारे भक्ति भैया ऐसी हो, ऐसी भक्ति। जो नर भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोई प्राणी, जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी। भगवान केवट जी के भावों को देखकर कितने आह्लाद में है, आनंद में है। बार बार एक है बतिया, जो प्रभु पार प्रभु, भगवान की आज्ञा न मिली हो, कितनी देर खड़े रहे होंगे सरकार भगवान जाने। केवट जी को लगा, देखिए व्यक्ति वहीं से सोचना प्रारंभ करता है जहां वह खड़ा रहता है, जहां वो जीता है। केवट जी ने सोचा, लगता है जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, इनके पास भी कुछ देने के लिए नहीं है। भगत ने भगवान को मुक्त किया, कोई बवाल में नहीं सरकार पड़ी है। पद कमल धोई चढ़ाई ना चलाई जा।
हैं भगत जी को तो समझ में आता है। भगत जी ने कहा प्रभु क्या कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। ननाथ उतराई चाहो, हृदय में कोई चाहत नहीं है कि आप पार जाके कुछ देंगे। चक्रवर्ती जी महाराज सत्यव्रतिज्ञ हैं, सत्यव्रती हैं, मैं उनकी सौगंध लेता हूं। आप प्रभु मर्यादा के अवतार हैं, मैं उस मर्यादा के दिव्यत्व की भी सौगंध लेता हूं। महिराम राहुल आन दशरथ सपत सब सत्य कहता हूं। लक्ष्मण जी तरकस पर हाथ फेरे तो बोले केवट जी बर तेर मार हूं लखन पे जब लगे न पाए। देखिए मनुष्य को जीने के लिए भगवान ने सिद्धांत देकर भेजा है। क्या है? वाणी से जो बोला जाए उसको पालन किया जाए। पहली बात तो वचन किसी को दिया न जाए, और वचन देने के बाद चक्रवर्ती जी महाराज वाली गति न बने कि विप्र वचन नहीं कहे वो विचार। वचन दे दिया तो दे दिया, वचन देने के पहले सोचना चाहिए, देने के बाद कदाप नहीं सोचना चाहिए। तो उत्तम क्या है? वचन दिया ही न जाए और दे दिया तो चाहे धरती आकाश एक हो उसका पालन होना चाहिए। गांव में शहरों में आज भी कहते भैया देखो यदि वो कहे हैं तो पालन करेंगे। वचन देने के बाद उसका निर्वाह होना चाहिए। कह दिया सो कह दिया। आपने भगवान का देखा, श्री हनुमान जी से भगवान ने क्या कहा? कोशलेथ दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बने आए। पिताजी ने बन नहीं दिया, हम वचन मान कर बनाए। पिताजी ने मां को वचन दिया, दो वचन, एक हमने मान लिया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुभाई, यहां हरि निश्चर वही देही, विप्र फिर ही हम खोजत आपन चरित का मिकाई, विप्र कौ निज कथा बुझाई, प्रभु पहचान परे उगे चर सो सुकुमार नहीं। तो अब दर्शन करिए, भगत जी ने भगवान को वचन दे दिया, ननाथ उतराई लक्ष्मण जी बाण भी मार देंगे तो जब तक पांव न पखारूंगा उतारूंगा नहीं। ये है भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर भाई। भगत को हठी होना चाहिए, जिद्दी नहीं हठी होना चाहिए। काहे पर? अपने भक्ति पक्ष पर भगत को हठी होना चाहिए। पहले तो भगत हो फिर हठी हो, या हठ भी कैसा हुआ तो परमार्थ पूर्वक हो, परमार्थमय हो, स्वार्थमय हठ ठीक नहीं। कई बार हम बैठा हठ बनाते हैं जिससे हमारा अपना लाभ हो, ये हठ अच्छा नहीं। परमार्थमय हठ, छोटा सा भगत है हो केवट, सुन केवट के वे प्रेम लपेटे परे परे कब भी हंसे करना है।
चित सुनके वट के बहन प्रेम लपेटे। केवट जी के प्रेम भरे बैन सुनकर भगवान उसी में लपटाई गए। कारण अटपटे बैन है लेकिन प्रेम भरे। जिसमें आपको प्रेम होता है ना उसकी अटपटी बात भी बड़ी मीठी लगती है। और जिससे आपको प्रेम न हो, आप बाहर से कहीं से चल के आए, गर्मी का समय है, वो गिलास का पानी ठंडा ही ले आवे तो आप कहेंगे क्या हम हमेशा सूखे रहते हैं क्या? रखो, क्योंकि आप तनाव में हैं उस व्यक्ति से। और यदि उससे प्रेम हो तो आप कहें वाह कितने मधुर हैं, ये जान जाते हैं हमको प्यास कब लगती है। ये अंतस्थ भाव है, व्यवहार है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।